निश्चित ही कार्य मनुष्य का कर्म बंधन से जुड़ा रिश्ता है, जिसको उसे इस जीवन के आनंद स्वरूप या परिश्रम स्वरूप करना ही है। ये कर्म ही है जो मानव को उसकी सामाजिक पहचान दिलवाता है, जिसके बलबूते वो अपने आप को पूर्ण कर पाता है। बिना कर्म मनुष्य न ही मुक्ति पा सकता है और न ही माया। माया फिर भी किसी उचित संयोग से प्राप्त हो सकती है, परंतु मुक्ति के लिए नेक कर्मों का होना अति महत्वपूर्ण है। अब महत्वपूर्ण की परिभाषा क्या होती है, इसे समझने के लिए हमें एक बार अपने कार्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमारे द्वारा किया जाने वाला कार्य कितने बदलाव समाज में ला रहा है। क्या हमारे कार्य से समाज में कुछ उत्पादकता मिल पा रही है या किसी किस्म की शांति स्थापित हो पा रही है। इस तरह से अपने काम के आत्मनिरीक्षण से हमें अपने काम को समझना चाहिए, क्योंकि मनुष्य मुख्यतः एक खोज में रहता है। इस खोज का मकसद उस पर ही निर्भर करता है कि वो अपने कार्य से क्या खोजने निकला है और उसकी खोज का क्या परिणाम है। हम अक्सर देखते हैं कि कई कामों से जुड़े कई लोग अपनी मांग के लिए हड़ताल आदि करते हैं, जिससे वो इस बात का एहसास कराते हैं कि हमारा कार्य समाज के लिए कितना महत्वपूर्ण है, और इसी महत्वपूर्णता को मद्देनजर रख उन्हें भी महत्व मिले। यानी आपका काम यदि आपको अच्छी कमाई दे रहा है तो यह अच्छी बात है, परंतु एक बार इस विषय पर भी गहराई से सोचना कि अगर हमारे जैसे कई लोग जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उनके द्वारा सामूहिक हड़ताल करने से क्या समाज में कुछ रुकावट होगी या नहीं। ये सवाल असल में आपके काम की महत्वपूर्णता बताएगा, क्योंकि जिस प्रकार से रेलवे की हड़ताल से पूरा देश रुक जाता है, उससे ये सिद्ध होता है कि प्रत्येक रेलवे का कर्मचारी कितना आवश्यक है। उसी तरह अत्यधिक कमाई वाला कोई भी पेशा हो, अगर उसके समूह द्वारा उस कार्य को ना करने पर समाज में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो समझ जाइए कि आप अपने जीवन का अमूल्य समय ऐसे काम में दे रहे हैं जो कुछ परिवर्तन तो नहीं, ना ही शांति और उत्पादकता देने में कारगर है। हाँ, परंतु व्यक्तिगत रूप से सिर्फ अर्थ कमाने में जरूर कारगर है। आज के परिवेश में अगर गौर से देखा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति की सर्वप्रथम चेष्टा अर्थ अर्जित की ही रहती है। फिर चाहे वो अपने काम को गुणवत्ता रूप से न करके दिखावटी रूप से ही क्यों ना करे, क्योंकि परिणाम स्वरूप अर्थ उनको अर्जित हो रहा है, जो कि जरूरत के लिए पर्याप्त है और जीवन को सादगी से उठाकर माया को मनमर्जी से मोड़कर जीने के लिए पर्याप्त है। इसलिए भारतीय संस्कृति शुरू से सादा जीवन, उच्च विचार का प्रचार करती आई है, क्योंकि उस समय के समाज शास्त्रियों को ये बात बखूबी पता थी कि मनुष्य अपने काम के परिणाम की अपेक्षा परिणाम से प्राप्त होने वाले अर्थ में अगर क्षणिक संतुष्ट होने लगा तो परिणाम को इतनी तरजीह दिए बिना अर्थ के पीछे पूरी ताकत लगा देगा, जो उसे समाज में उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य से भटका के एक नई ही व्यवस्था की ओर धकेलेगा, जिससे समाज उत्पादकता की व्यवस्था छोड़ असंतुलित वातावरण में तब्दील हो जाएगा, जिसका परिणाम मानवता की कमी, ऊंच नीच का अंतर, दिखावा, स्वार्थ, लालसा और असंतुष्टि के साथ अशांति का माहौल बनेगा। इसीलिए एक बार प्रत्येक व्यक्ति को अपने कार्य से जुड़े महत्व और उससे होने वाले परिणाम को आत्मरूप से जानकर आगे का रास्ता तय करना चाहिए, जिससे उसका ये मानव जीवन ईश्वर कार्य में समर्पित हो, फिर चाहे उसका कार्य उसके अनुरूप कुछ भी हो। क्योंकि कलयुग का यही अध्यात्म है कि मानवता के साथ अपने जीवन में कर्मों के बंधन में रहकर जिम्मेदारी, ईमानदारी और बहादुरी से अपना कार्य लिया व किया जाए।